नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। सके दोस्तों, आप सभी जानते हैं किसी भर्ती संबंधित कोई भी सूचना होती है आप सभी को ऑनलाइन डेटा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। उसी क्रम में इस वीडियो में हम बात करेंगे बड़ी अपडेट को लेकर जो कि देखने के लिए मिलती है परीक्षाओं के बारे में या फिर कोरोना की वजह से चुनाव की वजह से स्थगित हो रही परीक्षाओं के बारे में। तो बनवा बन सारी अपडेट हम कवर करते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूला करें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि सबसे पहले ऑथेंटिक जानकारी आप सभी को ऑनलाइन एडा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। उसी क्रम में जैसा कि आप सभी जानते हैं कोरोना एक्टिव हो चुका है, परीक्षाओं का समय है, स्कूल खोलने का समय है, लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना की वजह से लगातार जो मामले हैं वो स्थगित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में राज्य सरकार के माध्यम से कई जो फैसले हैं वो लिए गए हैं, लेकिन अब आगामी समय के अंदर जिस प्रकार सरकार के माध्यम से फैसले लिए जा रहे हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं परीक्षाओं को लेकर बड़ा संकट आने वाला है। परीक्षाएँ तय समय पर होंगी कि नहीं होंगी इसको लेकर बड़ी समस्या आपको देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि यूपी के जिलों के अंदर काफी चीजें लगभग बंद की जा रही हैं। अब किस जिले के अंदर की गई मैं आप सभी को दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि सरकार के माध्यम से विद्यालयों को बंद कर दिया गया है। साथ ही चाहे वो कॉलेज है या फिर अगर बात करें विश्वविद्यालय की, महाविद्यालय, इन सभी को यहाँ पे गाइडलाइन जारी की गई है कि वह ऑनलाइन परीक्षा या फिर यहाँ पे ऑनलाइन शिक्षण जो कार्य है उसको कराने का प्रयास करें। मतलब कि ऑफलाइन पर रोक लगाने की जो बात है वो देखने के लिए मिली है। अब ऐसे में क्या जो परीक्षाएँ वो तय समय पर होंगी, क्योंकि सरकार के माध्यम से लगातार ऐसे एक्शन लिए जा रहे हैं। हाल ही में एक आदेश देखने के लिए मिला है जो छात्र कहीं ना कहीं प्रदेश के अंदर इस जिले में जाकर शिक्षक भर्ती समेत अन्य किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफी ज्यादा आवश्यक है। और यहाँ पे दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा आज की ही तारीख का ये आदेश देखने के लिए मिलता है 3/4/2021 का, जिसके अंदर मैं आप सभी को बता दूं कार्यालय के माध्यम से जो आदेश है वो जारी किया गया है कि कोरोना के बढ़ते हुए प्रकोप को देखते हुए यहाँ पे जो भी कोचिंग संचालक हैं उनको जानकारी दी गई है कि सभी कोचिंग संस्थान बंद किए जाते हैं 4/11/2021 तक। जैसा कि आप सभी देख पा रहे थे सुबह के समाचार पत्रों के अंदर भी जानकारी दी गई थी, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, साथ में कोचिंग या फिर अगर बात करें कॉलेज, सबको बंद करने का जो आदेश था। अब ऐसे में कार्यालय के माध्यम से जो आदेश है वो भी जारी हो गया है जो कि 3/4/2021 का है। तो प्रयागराज के अंदर जो भी छात्र प्रिपरेशन करें, चाहे वो शिक्षक भर्ती की करें या फिर अन्य परीक्षाओं की, उनके लिए तो आवश्यक है ही है। लेकिन ऐसे में आप सभी जानते हैं कि निकट भविष्य के अंदर कई परीक्षाएं प्रयागराज के अंदर भी देखने के लिए मिलेंगी, तो क्या ऐसे वो परीक्षाएं अपने समय पर होंगी, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि कॉलेज की बात करें, महाविद्यालय की बात करें या फिर कोचिंग संस्थान की, उसके अंदर भीड़ कम देखने के लिए मिलेगी, लेकिन परीक्षाओं के अंदर एक साथ आप सभी को जो भीड़ है वो देखने के लिए मिलने वाली है। अभी तक सरकार के माध्यम से बहुत सारी परीक्षाओं को लेकर फैसला किया गया है। मैं आप सभी को यहाँ दिखा दूँ, यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि मई में पूरी हो जाएंगी यूपी बोर्ड की परीक्षाएं। जैसा कि आप सभी देख पाएंगे नया कार्यक्रम जो होगा वो 1 से 2 दिनों के अंदर जारी किया जाएगा। तो ऐसे में यूपी बोर्ड की ओर से आयोजित हाईस्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षाएं पहले 24 अप्रैल से प्रस्तावित थी जो कि 12 मई के बीच में करानी थी, लेकिन पंचायती चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया 3 अप्रैल से शुरू हो गई है। पूरी चुनाव प्रक्रिया आप सभी को बताएं कि 2 मई तक चलने वाली है, उसके बाद में सरकार यूपी बोर्ड परीक्षाएं कराने को लेकर फैसला किया है। मई के पहले हफ्ते के अंदर यूपी बोर्ड परीक्षाएं शुरू होकर मई के अंतिम सप्ताह तक आप सभी को देखने के लिए मिलेंगी। बोर्ड की ओर से पहले जारी कार्यक्रम के अनुसार जिस विषय की परीक्षा पहले होने वाली है उसी के अनुसार आपको देखने के लिए मिलेगा। मतलब जो कार्यक्रम पहले जारी किया गया था परीक्षा को लेकर वही रहेगा, लेकिन तारीखों में बदलाव होगा। जो आपको 24 अप्रैल से देखने के लिए थी, अब ऐसे में मई के अंदर आपको जो परीक्षा है वो देखने के लिए मिलेगी। जानकारी यहां पर देखने के लिए मिल रही है कि इंटरमीडिएट की जो परीक्षा है मई में पूरी कराने की तैयारियां हैं। यूपी बोर्ड की ओर से परीक्षा कार्यक्रम को लेकर अंतिम रूप देने की जो तैयारियां वो की जा रही है, जल्दी नया कार्यक्रम घोषित किया जाएगा जो कि 1 से 2 दिनों के अंदर होगा। तो ऐसे में जैसा कि आप सभी ने देखा कि विद्यालय, कॉलेज या फिर कोचिंग संस्थानों को बंद कर दिया गया है, यूपी बोर्ड परीक्षा स्थगित होगी, विश्वविद्यालय की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। अब ऐसे में सबसे इंतजार है जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर। जैसा कि आप सभी को पता है कि 18 तारीख को जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा होने वाली है। ऐसे में परीक्षा नियामक प्राधिकारी के माध्यम से तो बार बार कहा जा रहा है कि हमारी तरफ से जो परीक्षा है वो करवाई जाएगी, लेकिन इसके बारे में उनके माध्यम से कोई भी आधिकारिक नोटिस अभी तक जारी नहीं किया गया कि 18 तारीख को ही आपकी जो परीक्षा है वो होगी। छात्र लगातार अपनी तैयारियां करते रहे, बहुत सारे अखबारों के अंदर बयान देखने के लिए मिले हैं, हालांकि उसमें भी सीधे तौर पर जानकारी नहीं दी गई है कि जूनियर शिक्षक भर्ती की परीक्षा 18 को 100%
100% आयोजित होगी या नहीं। हालांकि परीक्षा केंद्र और भी तैयारियां देखने के लिए मिल रही हैं, लेकिन जैसा कि आप सभी ने देखा प्रयागराज के अंदर या फिर अन्य जिलों के अंदर ऐसे फैसले देखने के लिए मिल रहे हैं जहां पे कोचिंगों को भी बंद कर दिया गया है। साथ में पहले से आप सभी जानते हैं कि सभी शिक्षण संस्थानों को बंद करने की बात की गई थी, तो ऐसे में यहां से स्पष्ट हो जाता है कि जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर अब जो मामला है वो फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। शासन के माध्यम से अभी तक कोई आधिकारिक नोटिस जारी नहीं हुआ है, इतनी जल्दी वो जारी करते भी नहीं है। मैंने आप सभी को पहले भी बताया है, उम्मीद है कि जल्द इसको लेकर चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। लेकिन ऐसे में जिस प्रकार सरकार लगातार फैसले लेती हुई दिखाई दे रही है, चाहे वो विद्यालयों के मामले में हो या फिर कोचिंग संस्थानों के मामले में, जैसा कि आप सभी ने देखा कि प्रयागराज के अंदर फिलहाल जो कहने की कोचिंगें बंद कर दी गई हैं, तो इससे जूनियर शिक्षक भर्ती जो 18 को होने वाली है उसको लेकर पूरे तरीके से संशय बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसा कि आप सभी देख पाए कि यह सिर्फ और सिर्फ 11/4/2021 तक किया गया है। अगर इसको एक हफ्ते और आगे बढ़ाया जाता है, मतलब कि 18, 19 या फिर 20 अप्रैल तक आपको देखने के लिए मिलेगा, तो यहाँ से ज़्यादा संभावना है कि जूनियर शिक्षक भर्ती कोरोना की चपेट में आने की संभावना है। दूसरी तरफ पंचायती चुनाव को लेकर पहले से परीक्षा को लेकर संशय था, अब ऐसे में दूसरी तरफ कोरोना आप सभी के सामने आ रहा है। हालांकि पंचायती चुनाव अपने समय पर होंगे, जैसा कि मैं आपको पहले कई बार बता चुका हूँ, लेकिन यूपी बोर्ड परीक्षाएँ स्थगित हो गई हैं, कॉलेज विद्यालय कोचिंग सब कुछ बंद कर दिए गए हैं जो कि 11 तारीख तक हैं। 11 से पहले सरकार के माध्यम से अगर इसको आगे बढ़ाया जाता है तो संभवतः मान के चलिए कि जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा भी अब 18 तारीख को फिर होने की संभावना नहीं होगी। लेकिन एक बार फिर से मैं आप सभी को बता दूं कि जब तक आधिकारिक तौर पर नहीं आ जाता, जानकारी के लिए मैं आप सभी को लगातार जानकारी दे रहा हूं, लेकिन अपनी तैयारी लगातार पूरी करते रहिए, चूँकि जूनियर शिक्षक भर्ती में एक सीट आप सभी को करनी है, कॉम्पिटिशन काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन ऐसे में सरकार के माध्यम से जिस प्रकार फैसले लिए जा रहे हैं, जूनियर शिक्षक परीक्षा पर भी पूरे तरीके से संशय है। उम्मीदें ऐसी हैं अगर ये मामला आगे बढ़ा, 11 तारीख के बाद भी सब कुछ अगर शिक्षण संस्थान बंद रहते हैं तो ऐसे में परीक्षाएं कैसे होंगी। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि विश्वविद्यालय महाविद्यालय को भी यहां पे हिदायतें दी गई हैं कि ऑनलाइन परीक्षाएं, मतलब ऑनलाइन जो शिक्षण कार्य वो कराए जाए, तो ऐसे में परीक्षा होगी, वहां पर ज्यादा से ज्यादा अभ्यर्थी एकत्रित होंगे, तो ऐसे में संभावना ज्यादा है कि जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा भी स्थगित हो सकती है। बाकी आधिकारिक तौर पर आने का इंतजार करें, जो भी चीजें लगातार आप सभी के सामने रखी जा रही या फिर जो भी सरकार के फैसले वो भी आप सभी को बताए जा रहे हैं, अगर इसी प्रकार आगे कंटिन्यू रहता है तो जूनियर परीक्षा पर भी संशय बनेगा जो कि 18 को होने वाली है। बाकी आधिकारिक तौर पर जैसे ही आएगी आपको जानकारी दे दी जाएगी, लगातार अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। ज़्यादा जानकारी के लिए प्लेलिस्ट अगर चेक करनी हो तो अवश्य करें, जिसमें आपको जूनियर भर्ती की प्रिपरेशन भी करवाई जा रही है जो कि बिल्कुल फ्री है। वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट को लेकर, जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रदेश के अंदर रोजगार को लेकर, नौकरी के मुद्दे को लेकर लगातार छात्रों के माध्यम से आक्रोश किए जाते हैं, छात्रों के माध्यम से धरना प्रदर्शन दिए जाते हैं। हाल ही में छात्रों के माध्यम से 2 बार धरने प्रदर्शन देखने के लिए मिले, जो कि आप सभी को पता है TGD PGD को लेकर, प्राथमिक भर्ती और भी तमाम मुद्दे थे। ऐसे में छात्रों के माध्यम से प्रयागराज बांसन चौराहे पर धरना प्रदर्शन हुआ। छात्रों को कहीं ना कहीं यहाँ पर जो डिग्री लेकर बैठे हुए पढ़े लिखे छात्र इंतजार करें नौकरियों का, ऐसे में उनको कहीं ना कहीं गुंडा जैसे शब्दों से यहाँ पर नवाजा जा रहा है, जो कि पूरे तरीके से गलत है। हालांकि छात्र कहीं ना कहीं रोजगार की मांग कर रहे हैं, ऐसे में सरकार को छात्रों की बातों को समझना चाहिए। जो भी छात्र कहीं ना कहीं अपनी परीक्षाओं को लेकर, अपनी परेशानियों को लेकर धरना प्रदर्शन करते हैं, अगर भर्तियाँ अपने समय पर आती है तो छात्रों को धरना प्रदर्शन ना करना पड़े। चयन बोर्ड के हालात आप सभी जानते हैं, बहुत सारी परीक्षाओं को लेकर लटका के बैठे हुए थे, विज्ञापन भी लटका हुआ था, छात्रों में आक्रोश था, तो ऐसे में धरना प्रदर्शन देखने के लिए मिला। उसी क्रम में छात्रों के ऊपर यहाँ पे जो केस है वो देखने के लिए मिल रहे हैं, तमाम जो धाराएं वो लगा दी गई हैं। जेल को लेकर भी आप सभी को पता चला था कि गिरफ्तारियां भी हुई थी, हालांकि रिहाई के बाद में आप सभी को यहाँ पे चीजें देखने के लिए मिल रही हैं। इसको लेकर छात्रों में आक्रोश भी है। प्रयागराज के अंदर छात्रों के माध्यम से एक यहाँ पे कहने की जो मार्च है वो भी निकाला गया था। उम्मीद है कि सरकार के माध्यम से जल्द इसको लेकर जो स्पष्टीकरण है वो दिया जाएगा। बाकी जो भी अपडेट होगी आप सभी को इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फ्लैश वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।